हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अपने एमएस वर्ड के इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम हेडर और फुटर को एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको इनेबल करने के लिए आपके हेडर में आप जैसे ही डबल क्लिक करते हो तो आपका हेडर और फुटर इनेबल हो जाता है और ये आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स पर इनेबल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपको मिल जाता है हेडर एंड फुटर के ऑप्शन। जैसे ही आप हेडर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। ये दोस्तों आपका ब्लैंक है, यानी कि आपने इसको टाइप किया तो आप यहाँ पर आपका जो भी अगर आपको देना हो, जैसे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप IMP डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो। देखिए, अब ये जो है ये आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स पर एप्लीकेबल हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आप हेडर को इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों आपको। ये देखिए, आपको 3 कॉलम्स मिल जाते हैं, यानी कि आप अलग अलग नाम दे सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो, ऐसे इम्पोर्टेंट 1, या आपका कुछ भी हो सकता है अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो, इम्पोर्टेंट 2 और इम्पोर्टेंट 3। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप ऐसे टेक्स्ट को भी इनेबल करवा सकते हो और ये सारे ही पेज पर एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे हम वापस से डबल क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने हेडर में पहुंच जाएंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इवन पेज, आउट पेज के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि टाइप और डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे आप इसको टाइप कर सकते हो कि ये हमारा हो गया है ऑफिस, आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ये टाइटल यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर अब टाइपिंग कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि ऑफिस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए टाइप किया है। देखिए, इस तरीके से आप अपने हेडर को इंसर्ट करवा सकते हो। अब वापस से आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे और आप यहाँ पर हेडर में जाकर इसको आप और भी हेडर्स ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। और अगर आपको यहाँ से एडिट हेडर करते हो तो आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो। मान लीजिए कि हमने इसको स्किप कर लिया, अब हम पेज के कर्सर को कहीं पर भी रखे हुए हैं तो आप चाहते हो कि हम हेडर में चले जाए उसको एडिट करने के लिए, तो हम दोस्तों अपने जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे डिज़ाइन में पहुँच जाते हैं और आपको यहाँ पर एडिट हेडर के ऑप्शन में पहुँच जाते हो और आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। हम फाइनली अगर हमको नहीं चाहिए हो तो हम रिमूव हेडर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हेडर का। अब हम समझ लेते हैं कि फुटर के बारे में, फुटर ऑप्शन क्या करता है। इसी तरीके से हम या तो ऊपर या तो आप फुटर में डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों फुटर का। सेम आपको यहाँ पर भी फुटर के ऑप्शन मिल जाते हैं 3 कॉलम्स में। आपको अल्फाबेट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। हम एक को इंसर्ट करके देख लेते हैं और आपको ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। आप चाहे तो इसको भी नाम दे सकते हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट है। आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना, अदरवाइज ये साइड में ही टाइपिंग होने लग जाएगा। तो ये हो गया आपका फुटर का नेम। तो इस तरीके से दोस्तों आप फुटर को भी सेट, अगर आप सिर्फ चाहते हो फुटर को करना तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गया आपका हेडर और फुटर। अगर आप, हम सबसे पहले इसको रिमूव कर लेंगे, रिमूव फुटर नाउ। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ नंबर्स देना है तो आप वो कैसे दे सकते हो, तो आपको यहाँ पर नंबर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं पेज नंबर्स में। यहाँ पे कुछ नंबर्स के आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने ये पहला लिया तो देखिए अब ये इंसर्ट हो चुका है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और अब आगे चलते हो तो पेज नंबर 3। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये नंबर्स भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, बोल्ड नंबर 2, इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा 2:4। अगर आप ऐसे फॉर्मेट में चाहते हो तो आपको 3:4 और फाइनली 4:4। इस तरीके से आप इस फॉर्मेट में भी
यूज कर सकते हो। ये तो हो गया आपका टॉप ऑफ पेज। बॉटम ऑफ पेज यानी कि आपका फुटर दोस्तों, आप अपने फुटर में भी कर सकते हैं। देखिए हमने ये स्टाइल लिया तो यहाँ पर ये स्टाइल में भी आ चुका है। नाउ दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसमें पेज मार्जिन। अगर आप चाहते हो कि पेज मार्जिन के हिसाब से आए यानी कि एसेंड बार लेफ्ट, देखिए दोस्तों अब ये आ गया है पेज के मार्जिन पे यानी कि साइड में। ये मार्जिन का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये हेडर सेट हो गया है। नाउ अब हम चलते हैं अपने पेज मार्जिन के बाद करंट पोजीशन, यानी कि आपने जो जो अभी इसको इनेबल किया है ये वही पोजीशन बता रहा है। नाउ फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ से अगर आपको चाहिए कि आपको 1 से नहीं आपको 10 से स्टार्ट करना है तो आप या तो इसको ऊपर करके भी कर सकते हो या तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको टाइप भी कर सकते हो और ओके कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपका ये भी आ गया। हम लगे हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए थे इसलिए हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट ले लेते हैं ये वाला। देखिए ये हो गया पेज नंबर 10 से स्टार्ट। और अगर आप चाहो तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो दोस्तों। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। देखिए अब आपका पेज स्टार्ट हो रहा है 10 से दोस्तों, क्योंकि हमने वहाँ पर 10 सेट कर दिया है। हम यहाँ पर वापस से डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अगर आपको रिमूव करना हो तो फाइनली आप यहाँ से रिमूव पेज नंबर भी कर सकते हो और स्किप के साथ आप बाहर आ सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था हेडर और फुटर के बारे में। दोस्तों हमारी एक्सेल, एमएस वर्ड, कॉरल ड्रॉ के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं अकाउंट्स के रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, टैली रिलेटेड वीडियोस और एक्सेल के फॉर्मूलास रिलेटेड वीडियोस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।